अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी यॉर्कर्स। दोस्तों हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह हमें लाइक करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हमारी आवाज़ दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। दोस्तों आप अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का जो बटन है उसको प्रेस कीजिएगा। तो मेरे साथ आज मेरे मेहमान मलक सुहेल साहब मौजूद हैं। मलक सुहेल साहब से हम पूछते हैं कि आज जो आयरलैंड और इंग्लैंड का जो मैच हुआ है उसके रिलेटेड अपडेट लेते हैं। बाकी जो कल तीन मैचेस हैं, इंडिया का मैच है नैदरलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका का मैच है बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान का मैच है जिम्बाब्वे के साथ, उसके ऊपर मलक साहब से हम थोड़ी सी उनकी राय लेते हैं और मुफीद मालूमात हम अपने इलम में भी इजाफा करते हैं और दोस्तों इंशाल्लाह आपके इलम में भी इजाफा होगा। दोस्तों आप हमारे साथ रहिएगा, पूरा हमारा प्रोग्राम देखिएगा, आप इंशाल्लाह आपके इलम में इजाफा होगा। मलक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मलक साहब, मुझे ये बताएं कि जो आज इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच हुआ है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, कि आयरलैंड ने आज अपसेट शिकस्त दी है जो इंग्लैंड को? इंग्लैंड इमरान भाई बहुत एक ज़बरदस्त और अच्छी टीम है और इंग्लैंड को मैं टॉप फोर में देख रहा हूँ और इंग्लैंड मेरी फेवरेट भी है टॉप फोर में, ठीक है। आयरलैंड जो है वो तो एक क्लब क्रिकेट है और इंग्लैंड की बात किस्मती ये है कि आज वो अपने डकवर्थ लुईस के जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं कर सकी। सही है, अगर कंप्लीट मैच होता तो इंग्लैंड ने जीत जाना था। कैलकुलेशन उससे मिस्टेक हुई है। और दूसरा इंग्लैंड का जो आयरलैंड का जो सॉरी कैप्टन है बाल बर्नी, वो उन्होंने जो पावर प्ले का ना वो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। सही है, और अच्छा खेला उन्होंने, 47 बॉल खेली, ठीक है, 62 रन बनाए, ठीक हो, जिसमें 2 छक्के और 5 चौके थे। सही, और उसका साथ दिया लॉरेंट टोकर ने जिसने 27 बॉलें खेली, 34 रन बनाए और 3 चौके और 1 छक्का लगाया। सही है, और सबसे अच्छी इन दोनों की बात यह कि उसने पावर प्ले अच्छा खेला और पहले 10 ओवर में 1 विकेट लूज किया और 91 रन था इनका। सही है, और जब 15 ओवर हुए तो इनका 131 और 5, मैं इसको देख रहा था ये तकरीबन 180 या 175 या 170 के बिटवीन के रहेंगे। सही है, लेकिन मार्क वुड और लिंगस्टन का उन्होंने इस्तेमाल किया, लिंगस्टन ने 3 ओवर किए, 17 रन दिए और 3 विकेट लिए इंग्लैंड की तरफ से। सही है, उसके बाद सैम करन ने भी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट उसने लिए। मार्क वुड वो तो वैसे ऑलमोस्ट 150 प्लस है, इन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि इन्होंने कोई 20-30 रन बचा लिए, सेव कर लिए इंग्लैंड ने, कमबैक किया इन्होंने, क्योंकि 15 ओवर में 131 और 20 ओवर में 157 क्लोज और ऑल टीम आउट। सही हो गया, एक विकेट निकाल दी। जब इनकी बारी आई फिर इंग्लैंड की, इनका जो पूरे टूर्नामेंट का तेज तीन ओपनर, खतरनाक ओपनर है जोस बटलर और कैप्टन भी है, वो सिफर पे आउट, पूरी दुनिया का तेज तीन है, वो सिफर पे आउट होगा। सही है, और एलेक्स हेल्स वो भी एक अच्छा बैट्समैन है, वो भी तकरीबन 7 रन बनाकर आउट हो गया। सही है, बेन स्टोक वो भी अच्छा प्लेयर है, वो 6 रन, ये पहले 3 विकेटों ने जो लूज की ना ये मैच की गिरफ्त से थोड़ा सा बाहर हो गए। ये जो इंग्लैंड की जो बैटिंग को उन्होंने सत्यानाश किया है ना आयरलैंड की बॉलिंग ने, आयरलैंड ने बड़ी नपीतुली बॉलिंग की आपकी, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, देखो दूसरी बॉल पे उसने बटलर को कोर्ट बिहाइंड कर दिया, ठीक है। एलेक्स हेल भी फंसा हुआ था, उसको वो शॉट नहीं मिल रहे थे, उसने भी जो मिड ऑन पे अपना कैच दे दिया। अच्छा, इंग्लैंड की तरफ से जो डेविड मलान ने इनिंग्स खेली है या हैरी ब्रूक्स ने इनिंग्स खेली है वो बहुत स्लो खेले हैं, वो क्या उनको कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए थी? मैं आपको एक बात बता दूं, डेविड मलान और हैरी ब्रूक्स को ना 1 ही ओवर में 2 चांस मिले हैं स्पिनर बॉल पे। सही है, बिल्कुल सही है, उसके ये दोनों स्पिनर बॉल पे चांस भी लिया फिर भी अपनी जो ना बारी को कैरी ऑन नहीं कर सके, जैसे मैच को लेकर जाना था नहीं लेके जा सके। सही है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी स्पिनर बॉलर पे हैरी ब्रूक्स ने कैच दे दिया। सही है, विकेट भी गवा दी। मोइन अली आए और काफी अग्रेसिव मूड में आए, उन्होंने 12 बॉल्स खेली, 24 रन बनाए जिसमें 1 छक्का और 3 चौके मौजूद थे। लिविंगस्टन था जो उनका जो पावर हिटर है लास्ट का, अगर मैच कंप्लीट होता तो ये जोड़ी ने मैच फिनिश कर देना था, अगर मैच फिनिश होता तो इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा था, अगर ये 20-20 ओवर का पूरा होता, 20-20 होते तो इंग्लैंड फेवरेट ना होता, तो इंग्लैंड फेवरेट था, इंग्लैंड ने ये मैच जीत जाना, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं इंग्लैंड के साथ, वो एक अच्छी टीम है और उसे मैं टॉप फोर में देख रहा हूँ, वो एक अच्छी टीम, आयरलैंड का जो है वो एक क्लब टीम है उसका टॉप फोर में। अच्छा, अब जो टूर्नामेंट चल रहा है, देखें ऑस्ट्रेलिया भी अपना पहला मैच हार गई थी न्यूजीलैंड से, अब इंग्लैंड भी एक मैच हार गई है। जी जी, अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में टाई पड़ जाएगी, मेरा ख्याल है कि कौन सी टीम न्यूजीलैंड के साथ जाएगी, न्यूजीलैंड तो नजर आ रहा है कि वो चली जाएगी, निकल जाएगी आगे। नहीं इमरान भाई, न्यूजीलैंड का भी एक मैच टाई हो गया ना आज अफगानिस्तान के साथ। हाँ, वो भी टाई हो गया, वो भी टाई हो गया, वो भी शुरू नहीं हुआ। पहली बात ये जैसा ऑस्ट्रेलिया का माहौल जा रहा है ना बारिशों का सीजन, आप कुछ भी नहीं कह सकते कौन सी टीम एग्जैक्ट फोर में जा रही है। सही है। अच्छा, मुझे ये लास्ट टाइम तक आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट फोर में कौन है। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं कि जो कल मैचेस होने वाले हैं
तीन मैचेस हैं कल जी, वो इंडिया का मैच है, पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ है, इंडिया का नीदरलैंड के साथ है, और साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश के साथ है। उसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि अगर बारिश हो गई या मैच कंप्लीट होंगे, वेदर फोरकास्ट जो आ रही है उसकी कोई अपडेट दें? सुबह 9 बजे अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, ये होना है सिडनी में, ठीक है। 12 बजे होना है इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, ये भी सिडनी में होना है। इसके ऊपर 80% जो है वो बारिश आ रही है, सही है। उसके बाद आए ना 4 बजे पर्थ में, सही है, ठीक है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का, सही है जी। इसका जो ना वेदर वो क्लियर है, इसका ये मैच पूरा होगा और इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, हमारी तो दुआ है ना। पर्थ में बारिश नहीं हो रही, पर्थ में सिडनी में बारिश हो रही है और 80% आ रहा है वेदर फोरकास्ट जो है। अच्छा, 80% आ रहा है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ग्रुप में अगर वो उधर बारिश, दोनों मैचेस टाई होते हैं ऑलमोस्ट, यही हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड कप में, यही चलेगा उधर सीजन है बारिशों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्ल्ड कप में मैचेस हो रहे हैं, टीमों को देखना है कि हमने डकवर्थ लुईस को मद्देनजर रखे हुए कैलकुलेशन करके अपनी जो सेकंड इनिंग्स है वो खेलनी है। इमरान भाई मैं आपको एक याद बात बताता हूँ, वर्ल्ड कप था गालबन 2007 का, अच्छा, श्रीलंका के खिलाफ था या किसी, रिकी पोंडिंग कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया का, सही है, डे नाइट मैच था वो, उस वो भी डकवर्थ लुईस आ रहा था। रिकी पोंडिंग ने क्या किया हुआ था, एक पर्ची बनी हुई थी हर बॉल पे और हर ओवर की, सही है, वो अपने पॉकेट से निकालता था, देखता था ऐसे, फिर जेब में डालता, फिर बॉल होती थी, फिर देखता था, फिर निकालता। वो अपना होमवर्क करके आया हुआ था, वो इंग्लैंड पूरी कैलकुलेशन की, इंग्लैंड ने आज कैलकुलेशन की जिसकी वजह से वो मैच हार गए, 5 रन से हारे हैं वैसे। चले, थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट दी है, आप इसी तरह हमें अपडेट देते रहिएगा। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हमें कमेंट में हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, हम उनको आंसर भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।